आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हम पाकिस्तान के ज़िमनी इंतखाबात में दस्तबरदारी के इम्कानात रोशन हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एमक्यूएम से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने की दरख्वास्त की है। गवर्नर सिंध कहते हैं कि एमक्यूएम इंतखाबात से दस्तबरदारी का जल्द ऐलान कर देगी। बल्दियाती इंतखाबात के बायकॉट के बाद एमक्यूएम ने ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा ना लेने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन, एमक्यूएम से इंतखाबात में हिस्सा ना लेने की दरख्वास्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू में खालिद मकबूल ने कहा, कराची और लाहौर के जमीनी हकायक मुख्तलिफ हैं। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टिशोरी का कहना था कि एमक्यूएम इंतखाबात से दस्तबरदारी का जल्द ऐलान कर देगी। खालिद मकबूल भाई ने कहा है कि वो जब तक उनका डीलिमिटेशन का इशू कराची में हल नहीं होता, वो इस बाई इलेक्शन में जो होने जा रहा है, जहां उन्होंने कागजात नामजदगी सबने जमा कराए थे, उसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। तो शायद आज वो राबता कमेटी से बाज़ाब्ता इसका ऐलान भी कर देंगे। ज़िमनी इंतखाबात के हतमी फैसले के लिए एमक्यूएम जल्द राबता कमेटी का इजलास तलब करेगी, जिसके बाद बाकायदा ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ साद साबरी, समा कराची।